हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आज का टॉपिक बहुत ही इमोशनल है, पेनफुल है, और कई बार आप ऐसे मोड़ पे आके फंस जाते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, बिल्कुल समझ नहीं आता। और एक साइड से पैसा जाना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ आपकी इमोशंस होती हैं, अटैचमेंट्स होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन सीरियस पेशेंट्स की जो वेंटिलेटर पे होते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, और आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं होती, और आप अफोर्ड करने में भी प्रॉब्लम आपको आ रही है हॉस्पिटल्स को, जो उनके खर्चे हैं। जब आज का टॉपिक ये है कि कई बार मुझे पेशेंट आके बोलते हैं कि सर, हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे रख के पैसा कमाते हैं, कुछ हॉस्पिटल हमने देखा है जी ऐसा, क्या ये सच है? नंबर एक। नंबर दो, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, तो क्या किया जाए, कितने दिन तक इंतज़ार किया जाए? बहुत बड़ा सवाल यही होता है कि क्या पेशेंट को हम घर लेके जाएं या वहाँ रखें। इसमें पर्सनल बातें भी बहुत सारी हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, इमोशनल चीज़ें भी हैं। ये कोई आसान विषय नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं होती ये डिसीजन लेना कि पेशेंट को हम घर ले जाएं या हॉस्पिटल में रखें। पहले बता दूं कि पहला जो टॉपिक है कि क्या डेड बॉडी को, क्या मरे हुए इंसान को वेंटिलेटर पे रख के हॉस्पिटल पैसा कमाते हैं। देखो, सच बात बताऊं तो मैंने ज़िंदगी में अभी तक ऐसा देखा नहीं है। मैं सच अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग गलत काम करते हों, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। दूसरी चीज़ कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की ब्रेन डेथ हो चुकी होती है, मतलब ब्रेन डेथ हो गई, सिर्फ हार्ट चल रहा है, बाकी ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो एक तरह से वो पेशेंट मरा हुआ ही है ना, उसको हम ब्रेन डेथ बोलेंगे। तो वो कई बार ऐसे पेशेंट काफ़ी टाइम तक निकाल जाता है ब्रेन डेथ के अंदर, तो वहाँ पे डॉक्टर्स को बता देना चाहिए कि पेशेंट की ब्रेन की डेथ हो चुकी है, लेकिन हार्ट अभी काम कर रहा है, आगे आपका डिसीजन है आपको क्या करना है। लेकिन आज मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी, कि हाँ ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की डेथ रात को हो गई हो 2 बजे, और पेशेंट के अटेंडेंट को सुबह 7 या 8 बजे बताया जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। ये शायद मैंने कई बार ऐसा सुना है कि पेशेंट की डेथ तो रात में हो गई थी और सुबह बताया, तो ऐसा शायद हुआ होगा। लेकिन किसी पेशेंट को डेथ हो जाए और उसको 4 4 दिन, 2 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई जब मिलने का टाइम होता है, अटेंडेंट भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई इतने मूर्ख पेशेंट हों कि जिनको आपको पता ही ना चले कि पेशेंट जिंदा है या मर गया है। जान पहचान वाले भी होते हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल लाइन के भी लोग होते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये आसान है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आखिर पेशेंट को वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर कह रहे हैं कि पेशेंट की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, और आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि अब आपकी जेब में पैसे ख़त्म हो चुके हैं, एक ही दिन में पेशेंट के ऊपर 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक लग रहा है, और कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा है। पेशेंट को 1 हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, अब क्या करें? मैं पहले ये बताऊंगा कि कब आपको पता चलेगा कि मेरे पेशेंट की हालत कितनी ख़राब है, और कब घर लेके चले जाना चाहिए, कब प्रैक्टिकल रुख अपनाना चाहिए। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ, आसान नहीं होता। अगर आपका बच्चा एडमिट है तो बहुत ही मुश्किल होता है डिसाइड ये करना कि मैं अब बस अब हाथ खड़े कर दिए, अब मैं इसको घर ले जाऊं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बच्चों के मामले में, भाई बहनों के मामले में, इवन माँ बाप के मामले में भी कई बार इंसान अपनी आखिरी कोशिश तक लड़ता है, वो कहते हैं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस लड़ाई में वो ये भूल जाता है कि उसका घर भी बिक चुका है, उसके पास आने वाले साल के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं, नौकरी भी चली गई है, धंधा भी चौपट हो चुका है। उसको ये समझ नहीं आता कि अब घर में और लोग भी हैं जिसके लिए तूने जीना है, वो ये भूल जाता है, क्योंकि वो इतना इमोशनल हो जाता है और प्रेशर इतना होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर, फलाने का प्रेशर, अपना प्रेशर, अपनी अंतरात्मा का प्रेशर, अपनी इमोशंस का प्रेशर, कि कैसे ले जाऊं मैं अपने घर पेशेंट को, यहाँ अपनी आंखों के सामने कैसे मरने दूं। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि जब शुरू में आप पेशेंट को लेके गए, आपको नहीं पता था कि पेशेंट कितना सीरियस है, 1 2 दिन के बाद पता चला, या अचानक पेशेंट सीरियस हो गया, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, आज 2 दिन 4 दिन 6 दिन हो गए हैं। जब तक पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक है नंबर एक, जब तक उसकी किडनी लीवर काम कर रहे हैं नंबर दो, ब्रेन काम कर रहा है नंबर तीन,
जब तक ये चीज़ें चल रही हैं तब तक उम्मीद होती है। एक बार ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाए तो कंडीशन समझो खराब होती जा रही है, फिर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। उसके बाद कई पेशेंट में ब्रेन की डेथ हो चुकी होती है, ब्रेन काम करना बंद कर, वो तो बिल्कुल ही एक ख़राब चीज़ होती है। फिर जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो बीपी की दवाइयाँ लगा इन्फ्यूज़न शुरू कर देते हैं हम लोग, बीपी की दवाइयों पे मेंटेन किया जा रहा है। फिर कुछ लोग इम्प्रूव कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो फिर वहाँ पे धीरे 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 बाकी के ऑर्गन पे असर आना शुरू होता है, जिसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, कि अब किडनी का पेशाब आना कम हो गया है, बीपी तो लो था ही था, अब पेशाब आना भी कम होता जा रहा धीरे धीरे, किडनी के टेस्ट पहले नॉर्मल थे अब वो भी अब नॉर्मल होने शुरू हो गए हैं, TLC है वो बढ़ती जा रही है, प्लेलेट काउंट कम होता जा रहा है, फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, सब कुछ देने के बाद भी फीवर 102 103 पेशेंट सेप्टिक में जा रहा है। तो और जो वेंटिलेटर है उसकी सेटिंग भी बता देती है कि पेशेंट पूरी तरह से वेंटिलेटरी सपोर्ट पे है, वो अपना सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है, उसी ऑक्सीजन भी 90-100% पे चल रही है तब जाके वो ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है। तो एक तो वेंटिलेटर की सेटिंग्स बता देती हैं कि पेशेंट कितना सीरियस है, उसके बाकी ब्लड टेस्ट बता देते हैं उसका लीवर किडनी टेस्ट एबनॉर्मल तो नहीं होते जा रहे हैं, उसका बीपी डाउन तो नहीं होता जा रहा है, उसका पेशाब आना बंद तो नहीं होता जा रहा है, अब डॉक्टर कहेंगे अब डायलिसिस शुरू कराओ। तो ये सारी चीज़ें पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन होती हैं कि ये खराब हो रहा है पेशेंट। जब पेशेंट बिल्कुल ही अब एक टाइम पे आके डॉक्टर आपको सीधे सीधे बोल देते हैं कि भाई देखो हमने सब कुछ करके देख लिया, हमें नहीं लगता पेशेंट बचेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि डॉक्टर अगर आपको इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। या तो अब कहीं पे कहीं हॉस्पिटल नहीं बताते, उनको लगता है क्या करना बता के, चलने दो पैसा तो आ रहा है ना। लेकिन ऐसे टाइम पे काम आता है आपके फैमिली डॉक्टर, आपके जान पहचान के डॉक्टर, उनकी उनको बीच में इन्वॉल्व करके राय जरूर ले लें कि क्या इस पेशेंट को रखने का फ़ायदा है हॉस्पिटल में या इसको घर ले जाएं। ठीक है कि डेथ तो अब पक्का है, ये आपने डिसाइड करना है कि डेथ हॉस्पिटल में होनी चाहिए या घर पे होनी चाहिए। हालांकि ये कहना बहुत आसान होता है डेथ कि घर पे होनी चाहिए या वहाँ पे होनी चाहिए, मैंने फिर बोला जो इमोशंस होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अटैच्ड होते हैं वो नहीं सहन कर पाते, वो नहीं देख पाते अपने पेशेंट को तड़फता हुआ, वो नहीं देख पाते कि मैं इसको घर पे ले जाऊँ कि लोग क्या कहेंगे, या मैं खुद नहीं मान पा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाए और शायद कोई चमत्कार हो जाए, मेरा पेशेंट बाहर आ जाए। लेकिन उस चक्कर में देखो जो लोग बहुत पैसे वाले हैं करोड़पति हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए ठीक है, लेकिन जो एक मिडिल क्लास आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है, उसका एक दिन में इतना पैसा लगना शुरू हो जाता है, जितना पेशेंट सीरियस ज़्यादा होता है उतना ही पैसा ज़्यादा लगता है, और कई बार इतनी पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन हो जाती है कि आगे चल के उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, कितने लोन उठाने पड़ जाते हैं, कई बार ज़मीन बेचनी पड़ती है, सोना गिरवी रखना पड़ता है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं इतने टाइम से पेशेंट्स को देख रहा हूँ, तो ये आसान नहीं होता। तो थोड़ा सा ये सोच लें कि जो सच है वो सच है, मृत्यु अगर है तो है, उसको आप टाल नहीं सकते, लेकिन बाकी जो घर वाले हैं आपकी जो बाकी जिम्मेदारी हैं वो भी आप ही को निभानी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो ये सब चीज़ें सोच लेना। ठीक है, हॉस्पिटल को क्या है, हॉस्पिटल तो रखा रखेगा, उसको तो पैसा मिल रहा है, आप अगर कहोगे मैं नहीं लेके जा रहा तो हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल का तो फायदा है। ऐसे बहुत कम डॉक्टर मिलेंगे जो कहेंगे भाई घर ले जाओ, सच बता रहा हूँ, और अगर हॉस्पिटल का डॉक्टर आपको ये बोला कि भाई अब घर ले जा कोई फ़ायदा नहीं है रखने का, तो सच बात यह है कि मान लो उसकी बात और घर ले जाओ, या कोई घर पर इंतजाम कर लो। लेकिन कुछ लोग नहीं सहन कर पाते घर पर अपने सामने मरीज को ऐसी हालत में नहीं रख पाते हैं, ये भी एक सच है। तो ये इमोशंस की लड़ाई है, ये अपने आप से लड़ाई होती है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, ये कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको सोचना है कि आपको आगे चल के क्या करना है और क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच जरूर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कल को आपको और ज़्यादा पछताना पड़े और कल को आप फिर एक के बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरो। लेकिन हाँ, कई बार गिल्ट भी होता है कि मैंने अपने फादर के लिए, मदर के लिए अच्छा इलाज नहीं करा पाया, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा इलाज नहीं करा पाया, ये गिल्ट भी मन में कई बार रह जाते हैं और ये और बीमार करते हैं आगे चल के।
तो सारी चीज़ें देख लें, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और क्या रखने से फ़ायदा है। तो मैं इसीलिए बोलूँगा कि आपका जो एक फैमिली डॉक्टर होता है ना, उसको बहुत पता होता है, उसको इन्वॉल्व करके रखो, क्योंकि एक आम आदमी को पता नहीं होता मेरा पेशेंट कितना सीरियस है। और कई बार हॉस्पिटल वाले सच नहीं बताते हैं, उनको तो लगता है कि पड़ा रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और सोच के करो, जो भी करो, फिर बोलूँगा कहना आसान है करना मुश्किल।